Is introduction of network. A computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. जैसे अभी एग्जाम्पल देखिए आप, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी दैट आर इंटरकनेक्टेड. इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए बीच में क्या लगाया गया है? हब. इसका बेनिफिट हमें क्या हुआ कि सपोज प्रिंटर सी के साथ, कंप्यूटर सी के साथ प्रिंटर जो है वो ऐड किया गया है, तो अब कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी दोनों कंप्यूटर्स जो हैं प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं. अगर सपोज कंप्यूटर ए प्रिंटिंग की कमांड देना चाहता है तो प्रिंटर को यूज़ किया जा सकता है. द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज वर्क इंडिपेंडेंटली. ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड. यानी कि हर एक कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? नोड. कंप्यूटर ए इज आल्सो नोड, कंप्यूटर बी इज आल्सो नोड, कंप्यूटर सी इज आल्सो नोड. द कंप्यूटर इन ए नेटवर्क कैन बी लिंक्ड थ्रू केबल्स, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड लाइट बीम्स. यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क. यस, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट में बहुत फ़र्क होता है. इंटरनेट के लिए नेटवर्किंग की जाती है. गॉट इट माई पॉइंट? तो नेटवर्किंग के यूजेस क्या है? नंबर वन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ स्टोरेज मीडिया. अगर हम कंप्यूटर ए, सपोज कंप्यूटर ए को कोई डाटा चाहिए, वो कंप्यूटर सी के पास पड़ा है, तो दैट इज़ इनफ. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ए और कंप्यूटर सी जो है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए हम लोग स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज स्पेस को जो है वो अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं. यानी कि अगर कंप्यूटर ए को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो कंप्यूटर सी के पास अगर वो है तो इट इज़ मोर देन इनफ. वो कंप्यूटर सी से ऑन द टाइम ऑफ नेसेसिटी वहाँ से कैरी आउट कर सकता है. नेक्स्ट है प्रिजर्विंग इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिजर्व रहती है. यानी कि प्रिजर्व का मतलब होता है कि एक नंबर ऑफ स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स व्हेन यू कीप बैकअप्स ऑन ए सेंटर लोकेशन यू हैव वन प्लेस टू लुक फॉर द लॉस्ट इन्फॉर्मेशन. कि हम जब हम कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है. नेक्स्ट है रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट. अब जैसे मैंने लास्ट हमने जो एग्जांपल किया है उसमें इंटरनेट, इस इंटरनेट के नेटवर्किंग के जरिए प्रिंटर जो था कंप्यूटर सी के साथ अटैच था, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी कैन आल्सो यूज़ द सेम प्रिंटर. जब कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी को अगर नेसेसिटी है कुछ प्रिंट आउट करना है तो वो कंप्यूटर ए अपनी कमांड दे सकता है, कंप्यूटर बी भी अपनी कमांड दे सकता है. दैट इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग. नेक्स्ट है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी में क्या है? मेन क्या होता है कि हम लोगों ने डाटा जो है वो अगर हम किसी को सेंड करते हैं, सपोज़ मैंने मेल सेंड किया है तो वो मेल मैंने एंटर प्रेस करी और विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस ये इजीली आपके डिजायर्ड प्लेस पर पहुंच जाता है, एफिशिएंसली काम हो जाता है. नेक्स्ट है रिडंसी. रिडंसी का मतलब क्या है कि किसी भी तरह के अगर हमने चेंजेस करने हैं तो वो, अगर सपोज मैंने एक डाटा जो है वो दूसरे प्लेस पर भेजना है तो कैसे करूँगी मैं? अगर इंटरनेट ना हो तो मेरे पास, मैं पेपर पर राइट डाउन करके भेजूँगी ना. लेकिन इसमें क्या है कि मेरा, मैं मेल कर दूँगी तो डाटा जो है वो विदाउट एनी पेपर कॉस्ट वहाँ पे इजीली पहुँच जाएगा. नेक्स्ट है क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ डिलीवरी. यस ऑफ कोर्स, ये आप समझ ही गए होंगे पहले से ही. जैसे आपने किसी को मेल सेंड किया, मेल नेटवर्किंग के जरिए होता है, इंटरनेट के जरिए होता है, मैंने मेल किया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो वैसा का वैसा ही वो एज इट इज़ विद एफिशिएंसी, विदाउट रिडंडेंसी, क्विकेस्ट ईजली वे से वहाँ पर पहुँच जाता है. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क कंपोनेंट्स. अब नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या है? नेटवर्क कंपोनेंट्स, जितने हमारे को कंपोनेंट्स चाहिए नेटवर्किंग के लिए, कौन कौन से हैं? एक तो नेटवर्क कार्ड है, दूसरा नेटवर्क केबल है, थर्ड क्या है? मोडेम है, एंड फोर्थ क्या है आपके पास? हब्स एंड स्विचेस. सो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के बारे में बाद में रीड करेंगे, पहले इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा. मैं इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दूंगी, देन यू हैव टू सॉर्ट आउट, एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर आंसर क्लिक,
डू योर नोट्स, प्रिपेयर वेल, स्टे होम, स्टे हेल्दी, गुड बाय।